आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, इफ इट ट्रेवल्स 400 मीटर इन 20 सेकेंड्स, कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इफ इट्स मास इज 10 kg। ठीक है, 400 मीटर्स ट्रेवल करा 20 सेकेंड्स में, तो इस पे जो फोर्स लग रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये कैसे होगा। तो हमें क्या क्या दे रखा है कि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, उसका डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, टाइम दे रखा है, और ये दे रखा है कि यू जो है, यू की वैल्यू जीरो थी। तो आइए एक बार डेटा जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। यू इक्वल टू जीरो, ए इक्वल टू कांस्टेंट एंड अननोन, ठीक है, और एस इक्वल्स 400 मीटर, और मास ऑफ द बॉडी एम इक्वल टू 10 kg। ठीक है, तो यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन हमें पता है एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से यू टी जीरो हो जाएगा क्योंकि यू की वैल्यू जीरो है, एस की वैल्यू 400, 400 इक्वल्स हाफ इंटू ए इंटू 20 इंटू 20। ठीक है, तो 20 इंटू 20 400 हो जाते हैं, ये 20 इंटू 20 से ये 400 कैंसिल वन टाइम्स में। ठीक है, तो हमें ए की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिल जाती है। ठीक है, नाउ कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इफ मास इज 10 kg। तो फ्रॉम सेकेंड लॉ हमें पता है एफ इक्वल्स एम इंटू ए। ठीक है, तो यहाँ से फोर्स क्या आ जाएगा, एम इज 10 इंटू एक्सेलरेशन कितना है, 2 का है, यानी कि 20 न्यूटन। फोर्स जो है वो 20 न्यूटन का है। तो दिस कंक्लूड्स आवर क्वेश्चन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।